तो दोस्तों कैसे आप सब, फाइनली हमारे पास आ चुकी है 2024 मॉडल बजाज की पल्सर N250 जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो गाइस इसी बाइक के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं कि 2024 मॉडल बजाज की पल्सर N250 में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, 2024 में क्या अपडेट किया गया है, कितनी इसकी प्राइसिंग होने वाली है, कितनी आपको इसमें माल मिलती है। तो दोस्तों अगर आप इस बाइक को लेने की प्लान कर रहे हैं या लेने वाले हैं तो इस वीडियो साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक जुड़ी हर एक डिटेल्स हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर पहले पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस न कर सकें। तो चलिएगा इसमें टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करें इस बाइक के साइड प्रोफाइल से। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो लेफ्ट साइड प्रोफाइल है कुछ इससे निकल के आती है। जो 2024 मॉडल है इसमें आपको ग्राफिक्स में चेंजेस देखने को मिल जाती है जो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है। यह बाइक जैसा कि आप देखेंगे इसके फ्यूल टैंक में तो आप किस तरह से रेड ग्रे करके आपको यहाँ पर ग्राफिक्स मिल जाती है और जो 250 की आपके यहाँ ब्रांड मिलती है इस तरह से आपको यहाँ पर मिल जाती है जो काफ़ी बढ़िया लगे देखने में, काफ़ी शानदार लगती है देखने में। तो इस तरह से ओवरऑल इसकी लेफ्ट साइड प्रोफाइल निकल के आती है। रियर साइड में आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर N250 की आपके यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है जो काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। और जो 2024 मॉडल है इसमें आपको जो अपडेट मिलती है फुली डिजिटल मीटर कंसोल आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो अब आपको इसमें N250 में फुली डिजिटल मीटर कंसोल आपको यहाँ पर मिल जाती है। जैसे ऑन करेंगे तो इस तरह से यह ऑन होते दिखती है जिसमें आपको गियर स्पीड इंडिकेशन, डिजिटल टैकोमीटर, किलोमीटर, फ्यूल इंडिकेशन, IFE DT ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। साथ साथ इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स भी बजाज ऑफर कर रही है। जो बजाज की कनेक्टिंग ऐप है उससे आप पेयर करेंगे तो ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स का आप बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे SMS चैट, मिस कॉल, अलर्ट, इनकमिंग कॉल, ये सारी कनेक्टिव फीचर्स का बेनिफिट ले सकते हैं इस बाइक में। तो 2024 की काफ़ी बेहतरीन अपडेट आपको मिल जाती है इस बाइक में। और यहाँ पे आप क्लॉक भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे ABS का इंडिकेशन, चेक इंजन लाइट और ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर्स आपको इस बाइक में मिल जाती है। तो ओवरऑल आपको जो इसमें मीटर कंसोल मिलती है फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाती है विथ ब्लूटूथ कनेक्टिव फीचर्स के साथ। यही बात कर लें इसके स्विच गियर के बारे में तो इससे आपके यहाँ पर हैंडलिंग मिल जाती है। तो लेफ्ट साइड में आपके यहाँ पर इंडिकेटेड हाई बीम, लो बीम, पासिंग लाइट का स्विच दिया गया है। यहाँ पर आपको मेनू का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर ट्रैक्शन हॉर्न का स्विच दिया गया है और इस साइड में आप इंजन के स्विच, DL का कंट्रोल आपको मिल जाती है। यहाँ पर पावर स्टार्ट आपके यहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर स्विचिंग क्वालिटी आपको इस बाइक में मिल रही है। और फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो इस तरह से आपको इसकी फ्यूल टैंक मिल जाती है, 14 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाती है। काफ़ी मस्त है इसमें फ्यूल टैंक ऑफर किया गया है। E20 की आपके यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है, इस तरह से पल्सर की आपको ब्रांडिंग मिलती है जो कि 3D में यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करें इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल की तो वैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इस बाइक का जो फ्रंट प्रोफाइल है कुछ इस तरह निकल जाती है। यहाँ पर आपको जो टर्न इंडिकेटर मिलती है LED टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाती है जो काफ़ी बढ़िया है इसमें आपको मिल जाती है। और नंबर प्लेट लगाने की जो और हेडलाइट की अगर बात करें तो इसमें आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिल रहा है कम्प्लीटली आपको LED हेडलाइट सेटअप मिलती है। LED DIAZ दिया गया है, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप आपको मिल जाती है जो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर थ्रो मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखें इस तरह से आपको यहाँ पर DR मिली है जो काफ़ी बढ़िया लगी, काफ़ी ब्राइट लाइट आपके यहाँ पर मिल जाती है। और इस तरह से आपके यहाँ पे साइड में ग्राफिक्स मिली है और टर्न सिग्नल जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो टर्न सिग्नल मिलती है LED टर्न सिग्नल आपके यहाँ पर मिल जाती है। तो वह इस तरह से इसकी फ्रंट प्रोफाइल निकल के आती है। अब बात की इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में तो इस फ्रंट में आपको सस्पेंशन मिली है USD फोक सस्पेंशन दिया गया है जो कि आपके यहाँ पर ब्लैक कलर मिली है। 37mm डायमीटर का आपके यहाँ पर USD फोक सस्पेंशन मिली है तो काफ़ी बेटर सस्पेंशन आपको यहाँ पर फ्रंट में ऑफर किया गया है। और यहाँ पर रिफ्लेटर आपको मिल जाती है। अब बात की इस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में, जैसा कि यह बाइक डुअल चैनल ABS के साथ अवेलेबल है तो फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 300mm का आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। और जो आपको यहाँ ब्रेक कैलिपर मिलती है ग्रीन कलर का ब्रेक कैलिपर दिया गया है जो 2 पिस्टन वाले कैलिपर आपको यहाँ पर मिल जाती है। और डुअल चैनल ABS की ब्रांडिंग जाती है। और व्हील साइज की बात करें तो फ्रंट में आपको जो व्हील साइज मिली है 17 इंचेस का व्हील साइज मिलती है। और फ्रंट में आपको जो टायर मिलती है 100x80/70 सेशन का आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर लग मिलती है। और रिप पे आपको इस तरह से टेपिंग देखने को मिल जाती है और इस तरह से अलॉय व्हील का पैटर्न आपको देखने को मिल जाती है। और गाइस यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए इसका जो लेफ्ट साइड प्रोफाइल है कुछ इससे मिल जाती है। और अब आते हैं इसके इंजन की तरफ तो गाइस यहाँ पे आप देखें तो इसमें आपको जो इंजन मिलती है बजाज पल्सर N250 में 249 cc का सिंगल सिलेंडर BS6 Phase 2 ऑयल कूल्ड आपको इसमें इंजन लगी मिलती है जो मैक्स पावर जनरेट करती है। 24.1 BHP की पावर जनरेट करती है एट 8750 RPM पर आपको मैक्सिमम पावर जाती है। मैक्स टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको जो मैक्स टॉर्क मिलेगी 21.5 Nm की आपको टॉर्क मिलेगी एट 6500 RPM पर आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी। और जो गियर बॉक्स में मिल रहा है आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स
आपको यहाँ पर मिल जाती है, इस तरह से आपको यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल जाती है। बजाज के लोगों में लिए इस तरह से इंजन गार्ड आपको यहाँ पर मिल जाती है, और जो फुटपैक आपको मिलता है काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का इसमें ऑफर किया गया है। मेटलिक फुटपैक आपको मिल जाती है, साइड इस तरह इंजन कट आपको फीचर्स मिल जाती है, इस तरह से साइड प्रोफाइल आपको यहाँ पर मिल जाती है। रियर साइड में आपको यहाँ पर 10-250 की ब्रांडिंग मिल रही है। और गाइस यहाँ पर आप देखें तो फ्यूल टैंक पर आपको यहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट आपको इसके फ्यूल टैंक में देखने को मिल जाती है। अब बात करें इसके सीटिंग कंफर्ट के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो सीट मिलती है 795 mm का आपको सीट हाइट मिल जाती है, जो काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीट मिलती है। जो राइडर सीट है कुछ इस तरीके की मिलती है, यहाँ पे पिलियन सीट कुछ इस तरीके का दिया गया है। तो ओवरऑल बात करें तो इसमें आपको जो सीटिंग कंफर्ट मिलेगी काफ़ी कंफर्टेबल आपको इसमें सीट मिल जाएगी, जिसको लेकर कोई इशू नहीं होने वाली है। और बात है इसके रियर की तरफ, तो गाइस यहाँ पर आप देखें तो इस तरह से आपको ग्रैब हैंडल जो मिलती है, स्प्लिट टाइप का ग्रैब हैंडल दिया गया है। टेल लाइट आपको जो मिलती है LED टेल लाइट आपको यहाँ मिले, LED टर्न सिग्नल आपको मिले है। और गाइस यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए, इस बाइक का जो राइट साइड प्रोफाइल है कुछ ऐसा निकल के आती है। तो राइट साइड में आप देखेंगे इसके फ्यूल टैंक में तो आपको इस तरह से ग्राफिक मिलती है, 250 की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिली है, और यहाँ पे इस तरह से आपको इंजन मिलती है, इसमें आपको किक नहीं मिली है। फुटपैक्स आपको अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पे एग्जॉस्ट देखेंगे तो कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट मिल जाती है। तो चलिए मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ कि आपको इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा मिलता है। तो कुछ इस तरीके का आपको इसमें एग्जॉस्ट नोट मिल जाती है, तो कुछ इस तरीके का आपको इसमें एग्जॉस्ट नोट मिली है पल्सर N250 में, और रियर साइड में N250 और इससे ग्राफिक्स मिल जाती है। अब बात करें बाइक की रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में, तो बस रियर में आपको जो सस्पेंशन मिली है मोनोशॉक एब्जॉर्बर आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन आपको रियर में भी मिल रही है। और बात करें यहाँ पर रियर टायर के बारे में, तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे तो रियर में आपको जो टायर मिलती है काफ़ी वाइड टायर यहाँ पर दिया गया है। तो रियर में आपको जो टायर मिली है 140/70 सेक्शन के आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिलती है, जो काफ़ी वाइड टायर आपको यहाँ पर मिल रही है। और इससे रियर टायर अगर आपको मिल जाती है, व्हील साइज की बात करें तो व्हील साइज आपको 17 इंच का व्हील साइज मिली है। और रियर में आपको जो डिस्क ब्रेक मिलती है 230 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, ABS की चाय मिली है। और इससे आपको जो ब्रेक कैलिपर मिलती है 1 पिस्टन वाले आपके यहाँ पर ब्रेक कैलिपर यहाँ पे ऑफर की गई है। सो गाइस होगा इस बाइक के फीचर और स्पेसिफिकेशंस की बात, अब बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो इस बाइक का जो कार्बेट आपको मिलेगा 162 kg का इसका कार्बेट दिया गया है। ग्राउंड किस की बात करें तो इसमें आपको जो ग्राउंड किस मिलेगी 165 mm का ग्राउंड केस दिया गया है। लेंथ आपको मिलती है 1989 mm का ओवरऑल लेंथ दिया हुआ है। विड्थ की अगर बात करें तो इसमें आपको जो विड्थ मिलती है 743 mm का आपको विड्थ मिल जाती है, और ओवरऑल हाइट जो मिलती है 1050 mm का ओवरऑल हाइट दिया हुआ है। व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको जो व्हील बेस मिलेगी पल्सर N250 में 1351 mm का इसमें आपको व्हील बेस मिल जाती है। अब बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में 186,000 के करीब यह बाइक कंप्लीट आपको मिल जाएगी। और भी प्राइस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप बजाज शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस बाइक का एग्जैक्ट प्राइस ले सकते हैं। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको जो माइलेज मिलेगी लगभग आपको 35 से 40 km के आपको इसमें माइलेज मिलेगी। सो गाइस ये रहा बजाज पल्सर N250 2024 मॉडल का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने आपको बता दिया कि इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स मिलती है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, कितनी इस बाइक की ऑन रोड प्राइस होने वाली है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी है बाइक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बताते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस न कर सकें।